भक्तमाल में श्री नाभाजी महाराज ने प्रत्यक्ष दर्शन कराया है। ठाकुर जी के भक्त हुए धन्ना जाट। एक बार जब धन्ना जाट बहुत छोटे थे तो इनके घर संत पधारे और वो अपने साथ सालिग्राम जी को लेकर के आए। अब रोज सालिग्राम जी को संत स्नान कराते दूध दही पंचामृत से, जल से स्नान कराते, चंदन का तिलक लगाते, कंकु लगाते, पुष्प चढ़ाते, भोग लगाते, बड़ी सेवा करते। और जब संत की उस सेवा को देखा तो धन्ना जाट के मन में भी भक्ति जाग गई। अब कुछ दिन बाद जब संत जाने लगे तो धन्ना ने रोक करके कहा, गुरुजी आप भले चले जाओ, बस इतनी कृपा कर दो कि तुम्हारे जो ठाकुर हैं वो मुझे दे जाओ। भक्त को रोते देखा तो संत जा नहीं पाए, रुक गए। दूसरे दिन फिर जब जाने को कहे फिर वो धन्ना जाट रोने लगे तो संत ने अपना दिमाग लगाया कि छोटा बच्चा है, जिद कर रहा है। तो गए रात्रि के समय, एक बढ़िया सुंदर काले रंग का पत्थर लेकर के आए, गांव के बाहर ही पड़ा हुआ था। और उस पत्थर को बढ़िया चंदन अंदन लगा के और जहाँ सालिग्राम को बिठाते थे वहां बिठा दिया और सालिग्राम जी को नीचे बिठा दिया। सुबह हुई, संत ने जब जाने को कहा फिर धन्ना जाट ने रोक करके कहा कि मत जाइए, और जाए तो आप भगवान मुझे दे जाइए। तो संत ने धन्ना जाट को मंदिर में ले जाके कहा, देख एक भगवान तो सिंहासन पर बैठा है, दूसरा नीचे बैठा है, तुझे कौन सा वाला चाहिए? तो धन्ना जाट ने देखा कि गुरुजी वाले तो छोटे हैं और जो सिंहासन पर बैठे वो थोड़े बड़े हैं, तो बड़े हैं तो सेवा अच्छे से होगी। बोले मुझे तो सिंहासन वाले दे दे। तो संत अपने भगवान को तो साथ ले गए और धन्ना जाट को वो काला पत्थर देके चले गए। सोचा बालक है, दो चार दिन पूजा करेगा फिर फेंक देगा। संत तो चले गए। अब धन्ना जाट का भाव देखिए, उस पत्थर को ही सालिग्राम बना करके इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि भगवान उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए। अब तो धन्ना जाट को भगवान दर्शन देने लगे, उसकी हर एक बात सुनने लगे। धीरे धीरे वो बड़ा हो गया, किशोर हो गया। जब बड़ा हो गया तो उसके घर में खूब गायें थी, धन्ना गाय चराने जाया करता था। एक बार उसके घर में कुछ रिश्तेदार आ गए। अब आज सुबह गायों को खोलने का समय आ गया है कि गायों को गौचर के लिए वन में ले जाना है। अभी तक धन्ना जाट ने गायें खोली नहीं, रस्सियां नहीं छोड़ी गायों की। तो सालिग्राम भगवान ठाकुर जी धन्ना से कहते आज गाय चराने नहीं जाएगा, क्योंकि रोज ठाकुर जी उसके साथ जाते थे। तो धन्ना जाट ने कहा, बोले आज मेरे घर में रिश्तेदार आए, मेरी बुआ आई है, मेरी बहन आई है, आज सब आए हैं, तो आज नहीं जाऊंगा गाय चराने क्योंकि आज घर में बहुत काम है। तो ठाकुर जी ने कहा एक काम कर, गांव के बाहर तक गायों को छोड़ दे और वहीं मुझे छोड़ के आ जाना, मैं तेरी गाय चरा के ले आऊंगा। धन्ना भगवान को लेके गया, गांव के बाहर तक गायों को छोड़ा, वहीं भगवान जी को पधरा के आ गया। और हुआ क्या, दिन भर ठाकुर जी ने उसकी गाय चराई। नभाजी भक्तमाल में दर्शन कराते, दिन भर ठाकुर जी ने भक्तमाल में जो कथा आई कि भक्त को विश्वास कैसे कराएं भगवान है। एक पत्थर से परमात्मा बन गया और वही धन्ना जाट की गाय चराने गया। शाम को फिर गायों को लेकर आ गया। अब धन्ना जाट को तो आदत हो गई कि आधा काम ठाकुर कर ले, तो रोज ये गायों को छोड़े और गांव के बाहर तक ले जाए, वहां ठाकुर जी को छोड़ करके आ जाए। दिन भर ठाकुर जी गाय चराए, शाम को लेके आ जाए। खूब दिनों बाद धन्ना के गुरु जी आए, जिन्होंने वो काला पत्थर सालिग्राम दिया था। तो पूछा करके बोले, तेरे घर का काम काज तू कर रहा है, तेरी गाय चराने कौन गया? अच्छा ये बता, तूने जो सालिग्राम मुझसे लिए थे सेवा पूजा करता ही कि उसी समय फेंक दिए? संत ने सोचा कि उस समय बच्चा था, दो चार दिन बाद फेंक दिए होंगे। तो धन्ना ने कहा, ऐसा होता है क्या जो एक बार सेवा में लग जाए और फिर वो सेवा छोड़ दे? मैं नित्य सेवा करता हूँ। अच्छा तो चल दर्शन करा, गाय तेरे ठाकुर जी जो हम तुझे देखे गए थे। तो धन्ना ने कहा, अभी तो गाय चराने गए, शाम को आएंगे। संत ने कहा, गाय चराने गए? संत जी ने विचार किया, उस समय तो बच्चा था, तो ये बचकानी हरकतें करता था, ऐसी बातें करता था, अभी भी बच्चों जैसी बात कर रहा है, अरे भगवान भला गाय चराने गए? तो धन्ना ने कहा,
कुछ दिनों से मुझे घर में बहुत काम है तो वही चले जाते, गांव से बाहर तक छोड़ के आ जाता हूँ, शाम को लेने चला जाता। गुरुजी को तो विश्वास नहीं हुआ, बोले चल दिखा काहे तेरी गायें। गोधूली का समय था, जैसे ही धन्ना जाट की गायों का आने का समय हुआ, वो गुरुजी को लेके गांव से बाहर गया तो देखा, देखो गुरुजी वो सामने से आ रहा है, क्या सुंदर मोर पंखी तेरा मुकुट धारण करा है, क्या सुंदर कटीले नयन है, क्या मेरे ठाकुर के अदर है, हाथ में बांसुरी है, कमली धारण कर रखी है, आहा गले में कितनी सुंदर माला पहने है। गुरुजी कहे ये जो तू वर्णन कर रहा है ना, ये तो भागवत का श्लोक है, क्या तूने भागवत को पढ़ा है? अरे नहीं नहीं मैंने पढ़ा नहीं, मैंने सुना नहीं, मैंने तो देखा, देखो सामने क्या सुंदर छटा है मेरे ठाकुर की, सांवला सा बदन है, सुंदर माला पहने हैं, वैजंती माला धारण किए हैं, कितना सुंदर मोर पंखी टेढ़ा मुकुट, हाथ में लाठी भी है। धन्ना जाट को तो भगवान दिख रहे हैं पर गुरुजी को नहीं दिखे, और जब धन्ना जाट के उन शब्दों को सुना गुरुजी को भागवत का श्लोक याद आ गया, और आज गुरु ने शिष्य के आगे हाथ जोड़ लिए, तू धन्य है, तेरी भक्ति धन्य है, मैंने जीवन भर शालिग्राम की सेवा करी, एक बार दर्शन नहीं हो पाया, और तूने एक पत्थर को भगवान बनाकर पूज लिया।